हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं अजंता डिजिटल क्लॉक के बारे में। आजकल ये इस तरह की घड़ियां काफी चलन में है, डिजिटल क्लॉक, जो कि हमारे घरों की दीवारों की शोभा को बढ़ाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें हम डेट एंड टाइम किस तरह से सेट कर सकते हैं और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पेड प्रमोशन नहीं है। जी हाँ, इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, बस ये काफी चलन में है आजकल, तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन। वाओ, दिखने में तो काफी कूल लुकिंग है और थोड़ा सा मेटलिक लुक आ रहा है, लेकिन जो बॉडी है ये प्लास्टिक है, लेकिन जो लुक है इसका मेटलिक है और दिखने में काफी सुंदर है। और पीछे वायर्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट आप बिजली से कनेक्ट कर सकते हैं इसे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, ये वाला मॉडल जो है पर्टिकुलर, ये पावर से ही चलता है। इसके अंदर सेल का फीचर दिया हुआ होता है, लेकिन ये सेल सिर्फ और सिर्फ बैकअप के काम आता है। तो चलिए इसको हम खोल कर देख लेते हैं कि हम कैसे इसमें डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसका हटा लेते हैं पन्नी। तो इसमें डबल सेल लगे हुए हैं और इन सेलों के बीच में एक पतली सी एक पन्नी दिखाई दे रही है, ताकि ये सेल इसमें कनेक्ट ना हो जाए और वीक ना होते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे इस पन्नी को हटा लेना है। पन्नी को हटा लेने के बाद दूसरी तरफ भी है क्या, देख लेते हैं। नहीं है, ठीक है। और इस पत्ती को थोड़ा सा हम आगे की तरफ कर लेते हैं ताकि सेल परफेक्टली इसमें फिट हो जाए। इसके बाद हमें ये सेल इस पर लगाना है। ये सेल हम लगा दिया है हमने। ये सेल सिर्फ बैकअप के लिए है, मतलब अगर कभी आपका पावर कट होता है, लाइट चली जाती है, तब डेट एंड टाइम को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन इसमें जो डिस्प्ले आएगा दोस्तों, वो डायरेक्ट पावर से ही आएगा, मेन लाइन से ही आएगा। तो अब हम इसे पहले मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर इसे मैं खोल देता हूं। और चलिए इसे मेन पावर से कनेक्ट कर देते हैं। नाइस, कूल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि घड़ी ऑन हो चुकी है, काफी अच्छा डिस्प्ले इसका आ रहा है। अब हम इसमें डेट एंड टाइम सेट करेंगे। तो बैक साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको चार अलग अलग बटन दिए हुए हैं, आउट, सेट, अप और रीसेट। इन चारों बटन की हेल्प से ही हम इसे सेट करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार ये जो सेट का बटन है इसे हम एक बार प्रेस करेंगे। सेट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे जो ईयर है, ईयर के ऊपर ये ब्लिंक करने लग गया है, इसका मतलब हम ईयर को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमें अप, ये जो अप बटन है, यहां से हमें ईयर्स को चेंज करना है। तो हम दबाएंगे, तो अभी चल रहा है फिलहाल 2019, तो इसे हम दबा करके यहां पे ले आते हैं 2019 में, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हमें एक बार ये सेट बटन को दबाना होगा। तो एक बार हम फिर से सेट बटन दबाते हैं, तो ये मंथ अभी जनवरी चल रहा है, तो ओके, तो पहला ही मंथ है, हमें वापस एक बार और दबा देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे आज की तारीख डालनी है डेट में, तो हम वापस से अप का बटन दबाएंगे और आज तारीख हो गई है 22, ठीक है, 22 तारीख। दोस्तों इसके नीचे यहां पर जो आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो डेज दिए हुए हैं, ये ऑटोमेटिक तारीख जैसी ही होगी उसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑटोमेटिक डे आ जाएगा, ये आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम टाइम सेट कर लेते हैं। ये हमने डेट सेट कर लिया, तो इसके बाद हमें वापस से सेट पे एक बार क्लिक करना है। अब यहां पर टाइम आ रहा है दोस्तों। यहां पर इसमें तीन तरह के ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एक तो होता है रेलवे का टाइम जो कि 24 आवर्स का चलता है, और एक होता है अपना स्टैंडर्ड जो कि हम एएम और पीएम से काउंट करते हैं। तो अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि अभी यहां पर पीएम पे लाइट जल रही है, और तो इसका मतलब अभी यहां पर जो भी हम टाइम सेट करेंगे वो पीएम का टाइम सेट हो जाएगा। हमें इसे मूव करते रहना है जो हमारा करंट डेट एंड टाइम होगा, एएम, पीएम या फिर 24 आवर्स रेलवे टाइम। तो एक बार हम फिर से इसे अप पे क्लिक करते हैं, और अभी टाइम हो रहा है समथिंग 11 बज रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी सुबह के 11 बजे हैं, तो यहां पर पीएम आ रहा है, तो इसलिए हम इसे दोबारा से रोल करेंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एएम और पीएम दोनों में लाइट नहीं चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये रेलवे का 24 आवर्स वाला टाइम सेट हो रहा है, तो हमें इसे भी एक बार पास करना होगा। अब ये एएम आ गया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब एएम पे क्लिक, ये अभी समथिंग बज रहे हैं 11, तो 11 बज रहे हैं, अब ये हमारा टाइम सही है, तो अब हमें यहाँ पे मिनट सेट करना है, तो एक बार फिर से हम सेट का बटन दबाएंगे, तो ये सेट का बटन, अब यहाँ पे हमें मिनट सेट करना है, तो मिनट सेट करने के लिए फिर से हमें अप पे क्लिक करना होगा, तो अभी टाइम हो रहा है समथिंग 11:25, ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड की सुई है चलते रहने देना है, और अब हमारा डेट एंड टाइम सेट हो गया है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो आउट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, आउट के बटन को एक बार क्लिक कर देना है इस तरह से, तो ये आपके डिजिटल वॉल क्लॉक का डेट एंड टाइम सेट हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की जो करंट डेट है वो आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, और आपका जो टाइम है वो आ रहा है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो डेट है ये ऑटोमेटिक ये घड़ी चूज कर लेगी, और इसके साथ ही आपको आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, अब एक बात और है, जब अगर पावर कट होता है कभी, तब आपके इस वॉल क्लॉक का जो डिस्प्ले है वो चला जाएगा, वो आपको शो नहीं होगा, लेकिन जो हमने यहाँ पर जो सेल लगाया है, इस सेल की वजह से इसे बैकअप मिलता रहेगा, और जैसे ही कभी पावर कट होने के बाद दोबारा लाइट आती है, तो ये जो करंट डेट एंड टाइम है आपका एक्यूरेट दोबारा से आ जाएगा। तो एक बार मैं इसका पावर निकाल के आपको बता देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये पावर हटा दिया, तो इसका जो डिस्प्ले है वो चला जाएगा, लेकिन आपको बैकअप मिलता रहेगा इन सेल की वजह से, और जब भी आप इसमें पावर दोबारा आएगा, तो जो करंट डेट एंड टाइम होगा आपका एक्यूरेट, वो आपको दोबारा से यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस कर देना बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन टू माय वीडियोस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, जय हिंद।